कल क्या डिस्कस किया था हमने? एरर्स एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, दैट यस्टरडे वी डिस्कस्ड। अब आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज उसी स्टेप में जो हमने कल किया था एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, उसका एक इलस्ट्रेशन और एक एग्जांपल हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स। अब एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कितने टाइप के हैं याद रह गए? दे आर ऑफ फाइव टाइप्स। चलो जल्दी जल्दी से मुझे बोल दो, फर्स्ट टाइप कौन सा है? फर्स्ट टाइप कौन सा है जल्दी से याद करवा दो मुझे। व्हाट इज फर्स्ट टाइप? जल्दी याद करवा दो सर को। एरर ऑफ ओमिशन, राइट? एरर ऑफ ओमिशन, देन एरर ऑफ ओमिशन, आफ्टरवर्ड्स एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर, बंसी का स्पेलिंग चेक कर लेना, वो प्रिंसिपल अलग हुआ जो आपने लिखा है बेटा, राइट? सेकेंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड इज व्हाट इज थर्ड वन? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग रॉन्ग अकाउंट, राइट? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग रॉन्ग अकाउंट। फोर्थ वन इज एरर ऑफ कमीशन, क्लैरिकल एरर, जिसको हम नहीं बोलेंगे कमीशन, नहीं, वो एरर ऑफ कमीशन रॉन्ग और प्रिंसिपल वो कंसीडर हो गया, कमीशन नहीं बोलेंगे हम, एरर ऑफ, बोलो 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 बोलो, बुक में जो है वही बोलना है, बुक में जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है वही बोलना है। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक, यस, एरर कमिटेड वाइल रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक, दैट इज एरर ऑफ कमीशन, क्लैरिकल एरर भी बोल सकते हैं, ओके, क्लैरिकल एरर। एंड द लास्ट इज कॉम्पेंसेटरी एरर, ओके। सो दिस काइंड्स ऑफ एरर्स ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, नाउ वी आर गोइंग विद द इलस्ट्रेशन। जल्दी से दो पेज पे कॉलम्स बना दो, जनरल एंट्रीज के दो पेज पे कॉलम्स बना दो। एक इलस्ट्रेशन देखेंगे हम, प्लस इलस्ट्रेशन के बाद क्या देखेंगे? एक उसी तरह का एग्जांपल देखेंगे। जल्दी से कॉलम्स बना दो, कॉलम्स ड्राफ्ट कर दो जल्दी से, दो पेज पे जनरल एंट्रीज के। मैं भी कॉलम्स बना देता हूं तब तक। एज सुन एज यू आर गेटिंग रेडी टेल मी डन, सो विल गो ऑन। दो पेज पे जनरल्स के कॉलम्स बना दो। कॉलम्स बना दो और कॉलम्स में लिख दो डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस, एज यूजुअली वी आर राइटिंग।
Others ready? चलो स्टार्ट करें. लेट्स गो ऑन. कम डाउन पेज नंबर फाइव पे आ जाओ. पेज नंबर फाइव. पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री राकेश टू रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स. रेक्टिफिकेशन एंट्री कौन से बुक में लिखी जाती है, याद है किसी को? Anyone has remembered that in which subsidiary book the rectification entry is written? General proper, right? तो चलो heading लिखो General proper of Sri Rakesh. Heading लिख दो. स्टार्ट करें. रुपीज 1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड. पर्सनल यूज के लिए 1500 विड्रॉ किए, लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड. क्या बनेगी एंट्री? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, एंट्री क्या दोगे? ओरिजिनल एंट्री. अगर नॉट रिकॉर्ड मीन्स एरर ऑफ ओमिशन है. क्या है ये? एरर ऑफ ओमिशन. तो ओरिजिनल एंट्री देनी है, जो एंट्री आती है वही देनी है. क्या लिखेंगे? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया. बोलो जल्दी. राइट. ड्रॉइंग्स टू बैंक अकाउंट. नरेशन लिख दें. बीइंग एरर ऑफ, कौन सा एरर था ये लिखेंगे, ओमिशन रेक्टिफाइड. नरेशन बहुत डिटेल में नहीं लिखना है. बीइंग एरर ऑफ ओमिशन रेक्टिफाइड. कितना विड्रॉ किया था अमाउंट. How much amount was withdrawn? Answer जो वन नहीं है, डायरेक्ट आपने लिखीसु. कितना विड्रॉ किया था? बोलो अमाउंट. कितना था? 1500. थाई जाए डन बोलो, नेक्स्ट पर जाइसु. थाई जाए तो डन बोलो, नेक्स्ट पर जाइसु. सेकेंड, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 400 ऑन परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. मशीनरी परचेज का इंस्टॉलेशन चार्जेस कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? कल भी बात हुई थी मशीन अकाउंट में. डेबिट क्या कर दिया है? डेबिट शू करी नाख्यू जे. मशीन अकाउंट डेबिट करवो तो सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट करी दी. अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट. ये कौन सा एरर है कोई कहेगा? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट जो सही में डेबिट करना था, एरर ऑफ प्रिंसिपल. टू सन्ड्री एक्सपेंस गलत डेबिट किया टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. नरेशन शॉर्ट एंड स्वीट. बीइंग एरर ऑफ प्रिंसिपल
रेक्टिफाई 400 रुपीज, कितने हैं 400। अगेन थई जाए तो डन बोलो, इटले नेक्स्ट पर जाइए। थई जाए तो डन बोलो तो नेक्स्ट पर जाइसो। Ready? Go to the next, third point. 500 paid to Kajal is debited to Rajal's account by mistake. भाई काजल को पे किया, किसको डेबिट करोगे? डेबिट द रिसीवर। डेबिट क्या करना था? डेबिट क्या करना था? काजल को पे किया, डेबिट द रिसीवर, काजल इज रिसीवर। क्या डेबिट करना था हमें? क्या डेबिट करना था हमें? काजल डेबिट करना था, राइट। डेबिट कर किसको दिया हमने? किसको कर दिया डेबिट हमने? टू होम वी हैव डेबिटेड? राजल। सो अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट। अब राजल को डेबिट करेंगे और काजल को क्रेडिट, राइट। अली असगर, रोशन, क्लियर। अब राजल को डेबिट करेंगे और काजल को क्रेडिट। लिखें कौन सा एरर हुआ ये, एरर कौन सा हुआ ये, विच एरर इज दिस। आ क्यों एरर छे, क्यों एरर छे, आ क्यों एरर छे, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग रॉन्ग अकाउंट। राजल्स अकाउंट डेबिट, लिखो राजल्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग रॉन्ग अकाउंट टू काजल्स अकाउंट, टू काजल्स अकाउंट, राजल्स अकाउंट डेबिट टू काजल्स अकाउंट, बीइंग नरेशन शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम जैसे लिखते हैं ऐसे ही, बीइंग एरर ऑफ रिकॉर्डिंग रॉन्ग अकाउंट रेक्टिफाइड। कितने रुपए थे, कितने रुपए थे? 500 ना, 500 है ना, जो ही ले जो अमाउंट, जो ही ले जो। यस राइट, થઈ જાય ડન બોલો આગળ વધીશું, થઈ જાય ડન બોલો આગળ વધીશું। ફોર નંબર, આર બિલ રિસીવેબલ 1550 એક્સેપ્ટેડ બાય કોમલ ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન બુક્સ બાય 500। ભાઈ અપના બિલ્સ રિસીવેબલ કોમલને એક્સેપ્ટ કિયા થા, ઓકે, અપના બિલ્સ રિસીવેબલ, अपना बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक में 500 लिखा है, 1550 के जगह पे बिल्स रिसीवेबल बुक में, बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर, बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखने वाला एरर मतलब रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक। कौन सा एरर है ये? एरर कमिटेड बाय रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक। तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री क्या बनती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्या बनती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? कोमल ना, टू कोमल्स अकाउंट। कितना लिखना था? 1550 लिखना था, पर लिखा कितना हमने? 1550 लिखना था, पर कितना लिखा हमने? 500। तो अंडरकास्ट हो गया, कितना अंडरकास्ट हो गया, कितना अंडरकास्ट हो गया? 1050 अंडरकास्ट हो गया। अगर ओवरकास्ट होता तो एंट्री फ्लिप कर देते, क्लियर। अगर यही ओवरकास्ट होता तो इस एंट्री को हम फ्लिप कर देते, पर ये अंडरकास्ट है, कम लिखा है, तो वही एंट्री दोबारा से दे देनी है, और कितने अमाउंट की? जितना अंडरकास्ट है उतना। क्लियर एवरीवन, से यस और नो फास्ट। बिल्स रिसीवेबल ने एंट्री शू बने? ए पार्ट वन चैप्टर एट में आपने जो ही लिख दू, तो बिल्स रिसीवेबल टू कॉमन लिखना था, 1550 लिखना था, पर हमने 500 लिखा, सो 1050 अंडरकास्ट, सेम एंट्री हम दे देंगे। लिखे एंट्री, लिखे एंट्री, लिखें बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। कब एरर जे? एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक टू कोमल्स अकाउंट, टू कोमल्स अकाउंट, बीइंग एरर
committed in recording primary book is, ये commission error हुआ, error of commission is rectified. कितना लिखेंगे अमाउंट, कितना लिखेंगे 1050, राइट 1050 थाई जाए डन बोलो नेक्स्ट पर जाइसो थाई जाए डन बोलो नेक्स्ट पर जाइसो Why? Good 700 sold to Sweet 2 is recorded in purchase book by mistake. भाई good sell किया तो sales की entry देनी थी पर आपने क्या entry किस चीज की दे दी purchase की. Good sold किया entry sales की देनी थी समझो. अब ये fourth वाला था fifth वाला entry हमने देनी थी Sweet 2 two sales. कितने का है अमाउंट, कितने का है देख लो अमाउंट 700 एंट्री देनी थी स्वीट टू टू सेल्स. ये राइट एंट्री देनी थी, रॉन्ग एंट्री हमने दे दिया परचेज टू स्वीट टू 700. अब क्या करना पड़ेगा, ये डू करना है, ये डू करना है, ये अनडू करना है, ये अनडू करना है. कल सर ने समझाया था याद है. तो स्वीट टू 700 डू के 700 अनडू के कितना डेबिट होगा. अब स्वीट टू कितना डेबिट करना पड़ेगा भाई, स्वीट टू कितना डेबिट करना पड़ेगा अब 1400. फिर सेल्स डू करना है तो टू सेल्स 700 और परचेज अनडू करना है तो टू परचेज 700. गॉट दिस. काले आपने इलस्ट्रेशन लीधू छे ऑलरेडी. एवरीवन गॉट दिस. ओके लिखे एंट्री, एंट्री लिखें, एंट्री लिखें. तो स्वीट टू डेबिट करेंगे, स्वीट टू को डेबिट करेंगे, स्वीट टू अकाउंट डेबिट, स्वीट टू अकाउंट डेबिट 1400. कितना डेबिट करेंगे 1400. To sales account. क्यों error छे यार? To purchase account. आ क्यों error छे? Error क्यों छे यार? Being error committed in recording. ना बेटा compensatory नहीं बोलेंगे इसको. प्राइमरी बुक है बिल्स, परचेस बुक सेल्स बुक कौन सा बुक है, परचेस बुक सेल्स बुक कौन सा बुक है, रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक इज रेक्टिफाइड. कौन सा एरर हुआ ये, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड, परचेस बुक सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते टाइम एरर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी बुक वाला एरर. राइट राइट क्लियर एवरीवन. इज देयर एनी डाउट. अमाउंट लिखिए स्वीट टू में 1400. सेवन हंड्रेड सेल्स जो डू करने थे और 700 परचेस अनडू करना था. हो जाए तो डन बोलो नेक्स्ट पे जाएंगे, हो जाए तो डन बोलो नेक्स्ट पे जाएंगे. सिक्स गुड्स ऑफ 1250 परचेस फ्रॉम रेखा इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय 250. रेखा से परचेस किया था 1250 का गुड्स, परचेस बुक में लिखना था. कहां लिखना था इसको, परचेस बुक में. लिख कहां दिया, सेल्स बुक में. कितना लिखा 250. समझिए अब इन्हें पाछू समझिए भाई. एंट्री नंबर सिक्स समझिए आप. एंट्री नंबर सिक्स परचेस करी तो एंट्री शू आपवानी हती, एंट्री आपवानी हती
परचेस 1250 टू रेखा, क्लियर 1250 ये एंट्री देनी थी। हमने एंट्री सेल्स बुक में लिख दिया तो एंट्री क्या दे दी, एंट्री क्या दे दी, रेखा टू सेल्स, कितना लिखा, कितना लिखा यहां 250, क्लियर। आ ख्याल आई गयो पहला तो आ राइट एंट्री आपवानी हती, करेक्ट एंट्री, अने आ रॉन्ग एंट्री आपने आपी दी थी, आटलू ख्याल आई गयो। से यस और नो फास्ट, इतना ख्याल आ गया, ये सही एंट्री देनी थी और ये गलत एंट्री दे दी हमने, अदर्स क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। अब ये डू करना है, ये डू करना है, ये अनडू करना है, ये अनडू करना है, तो रेखा जब जो अब रेक्टिफिकेशन बनेगा भाई, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट कितना 1250, सेल्स भी डेबिट होगा ना, सेल्स भी डेबिट होगा क्योंकि अनडू करना है, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, कितना डेबिट होगा सेल्स, कितना डेबिट होगा सेल्स 250, टू रेखाज अकाउंट कितलू आवशे, टू रेखाज अकाउंट कितना आएगा, रेखाज अकाउंट 1250 डू के, 250 अनडू के, कितना आएगा रेखाज अकाउंट, क्लियर, रेखाज अकाउंट 1500, क्लियर एवरीवन। परचेस 1250 डेबिट जो डू करना है, सेल्स अनडू का 250 डेबिट एंड रेखा क्रेडिट होगा 1500, लिखें एंट्री, लिखें एंट्री, लिखें एंट्री, लिखें परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट अंडू करने के लिए डेबिट, सेल्स अकाउंट क्यों डेबिट, अंडू करने के लिए, टू रेखाज अकाउंट, क्यों एरर छे आ, आ क्यों एरर छे, वही वाला एरर है, बीइंग कौन सा जो ऊपर है, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक में लिखते टाइम ये एरर हुआ, प्राइमरी बुक, प्राइमरी बुक इज रेक्टिफाइड, बिंग एरर कमिटेड रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक इज रेक्टिफाइड। चलो रेखा सेल्स कितना डेबिट करना है हमें, सेल्स कितना डेबिट करना है 1250, परचेस सॉरी, सेल्स डेबिट करना है 250 अंडू करने के लिए, और क्रेडिट में, क्रेडिट में रेखा को क्रेडिट करना है 1500, डन, से डन इफ इट इज फिनिश, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। अदर्स, चलो नेक्स्ट जो ही है, नेक्स्ट जो ही है, 7200 क्रेडिटेड बाय बैंक एज एन इंटरेस्ट इन पासबुक रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, भाई भाई बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया, हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, बैंक ने क्रेडिट किया तो हमें एंट्री क्या देनी थी, हमें क्या एंट्री देनी थी, समझिए ना, 7 नंबर समझिए, बैंक ने क्रेडिट किया तो हमें एंट्री देनी थी बैंक टू इंटरेस्ट, क्या एंट्री देनी थी, बैंक टू इंटरेस्ट 200, पर हमने क्रेडिट पेमेंट साइड लिख दिया, मतलब हमने एंट्री दे दी इंटरेस्ट टू बैंक, हमने एंट्री क्या दे दी, इंटरेस्ट टू बैंक, क्लियर, आपने एंट्री शू आपी दी थी, इंटरेस्ट टू बैंक। अब शू करू पड़ से भाई, आ डू करवाना, आ डू करवानू, आ अनडू करवानू, आ अनडू करवानू, शू बन से एंट्री, हवे एंट्री शू बन से, हवे एंट्री शू बन से, बैंक टू इंटरेस्ट अमाउंट कोई कैसे मने, बैंक टू इंटरेस्ट, हवे एंट्री शू बन से, डेबिट थसे कितलू, 200 डू के, 200 अनडू के, कितने टोटल अमाउंट कितना लिखेंगे आप, अब टोटल अमाउंट कितना लिखेंगे 400, इज इट क्लियर,
ये करेक्ट एंट्री देनी थी हमें, हमने ये रॉन्ग एंट्री दे दी, तो उसको सुधारने के लिए अब हमें 400 रुपए की एंट्री देनी पड़ेगी। डन, लिखें एंट्री, लिखें एंट्री, लिखें, चलो लिखो एंट्री, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये भी प्राइमरी बुक, कैश बुक में लिखते टाइम एरर हुआ है। कौन सा एरर है? ये भी एरर कमिटेड बाय रिकॉर्ड है इन प्राइमरी बुक, बीइंग एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक इज रेक्टिफाइड। कितना? 400 रुपया। कितना लखीसु? 400। थई जाए, डन बोलो, इटले नेक्स्ट पर जाइए। एट पॉइंट एट, 300 पेड फॉर सैलरी इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट बाय 400। सैलरी 300 पे किया, डेबिट कितना किया? 400। सैलरी 300 पे किया, सैलरी 300 डेबिट करना था, 400 डेबिट किया। अब क्या करना पड़ेगा मालूम है? 100 रुपए क्या करने पड़ेंगे? क्रेडिट। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? 100 रुपया क्या करना पड़ेगा? सैलरी क्रेडिट। ओके, आगे रीड करें। वेर एज फर्नीचर सोल्ड 400, क्रेडिटेड फर्नीचर अकाउंट 500। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड कितना क्रेडिट करना था? 400 क्रेडिट करना था, 500 क्रेडिट किया। तो अब क्या करना पड़ेगा? 100 रुपए फर्नीचर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा क्रेडिट किया, आने भी अंडू करू ऊपर से, जब आने अंडू करियो तो फर्नीचर 100 रुपए डेबिट करना पड़ेगा और सैलरी 100 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फर्नीचर 100 रुपए ज्यादा क्रेडिट किया, डेबिट करना पड़ेगा। सैलरी ज्यादा डेबिट किया था, क्रेडिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, इज इट क्लियर? क्यों एरर छे आ? क्यों एरर छे आ? क्यों एरर छे? क्यों एरर छे आ? क्यों एरर छे आ? लिखे एंट्री, लिखे एरर कौन सा है? फर्नीचर अकाउंट, यस वेरी गुड। कौन सा एरर है? ये कॉम्पेंसेटरी एरर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एक एरर दूसरे एरर में छुप गया, टू सैलरी अकाउंट बीइंग कॉम्पेंसेटरी एरर रेक्टिफाइड। कितना? 100 रुपीज। छे बाकी के पति गयो, बाकी चेक पति गयो, आठ ही थे ना? यस, डन, फिनिश। टोटल कर लो, टोटल कर लो, टोटल कर लो। चलो कितलू आवे छे? 6850। नीचे बीजी लाइन पण ड्रॉ करी देवानी।
चलो जल्दी से वापिस कॉलम बना लो इसी तरह का। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल कर रहे हैं, जल्दी से इसी तरह का कॉलम बना लो फिर से। चलो एक्सरसाइज में क्या नंबर ना पेज पर से जोई लो जरा, आना जी वो सेम क्वेश्चन। अच्छा ऊपर हेडिंग में लिखना है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द जनरल प्रॉपर ऑफ, क्या लिखना है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द जनरल प्रॉपर ऑफ। ओके पेज नंबर बोलो कौन से पेज पे इस तरह का क्वेश्चन, एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे हम 25। ओके और कॉलम्स बना तो बन जाए तो डन बोलो। क्वेश्चन नंबर फोर इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर फोर इस तरह का है, प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ श्री बलराम ऑन 31/3/2015। आंसर नंबर फोर पेज नंबर 25 जनरल प्रॉपर ऑफ श्री बलराम। थई जाए तो डन बोलो एटले स्टार्ट करीशु। अहीं डेट आपेली छे तो डेट लखवानो, डेट आपेली छे बधामां आपणे डेट ज लखीशु, डेट कई लखीशु 31। ओके થઈ જાય ડન બોલો એટલે સ્ટાર્ટ કરી દઈશું આપણે, ડુ ફાસ્ટ। रेडी क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, अदर्स आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके फर्स्ट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 5000 लैब टू बी रिकॉर्डेड, क्यों एरर छे डेट कॉलम में 2015 मार्च लिख देने का, नंबर नहीं लिखेंगे याद रखो, डेट दिया हुआ है तो डेट लिखेंगे, डेट दिया हुआ है तो डेट लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे राइट। ओमिशन एरर है, ओरिजिनल एंट्री देने का, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट थी जैसे, शू थी जैसे टू कैश अकाउंट टू, केम के नाम नहीं आप being error of omission rectified, कितने का है, कितने का है परचेस
5000. થઈ જાય તો ડન બોલો, નેક્સ્ટ પર જઈશું. થઈ જાય તો ડન બોલો, નેક્સ્ટ પર જઈશું. ડેટ લખવાનો, કેમ કે ડેટ ઉપર હેડિંગમાં આપેલું છે, નંબરિંગ નહીં કરીએ. ઓકે, સેકન્ડ, ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જિસ 2000 પેઇડ ઓન પરચેસ ઓફ મશીનરી ડેબિટેડ ટુ સંડ્રી એક્સપેન્સ એકાઉન્ટ. સેમ જે હમણાં જ આવી ગયું થોડી વાર પહેલા, ભાઈ કયું એકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું હતું, કયું એકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું હતું, કોણ સા એકાઉન્ટ ડેબિટ કરના હતા. મશીનરી ડેબિટ ક્યાં કર દિયા, ડેબિટ ક્યાં કર દિયા, ડેબિટ ક્યાં કર દિયા, સંડ્રી એક્સપેન્સ. અનડુ વટ ઇઝ રોંગ, ડુ વટ ઇઝ રાઈટ, કોણ સા એરર કહેલાયેગા, યે કોણ સા એરર કહેલાયેગા, યે કોણ સા એરર કહેલાયેગા, યે પ્રિન્સિપલ એરર. બ્રોન સ્પેલિંગ જોઈ લેજો પ્રિન્સિપલ ની. ઓકે, એરર ઓફ પ્રિન્સિપલ. તો મશીનરી ડેબિટ કરના હતા, લિખે એન્ટ્રી લિખે મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ, મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ. યસ રાઈટ બેટા, ટુ સન્ડ્રી એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ. બીંગ એરર ઓફ પ્રિન્સિપલ રેક્ટિફાઈડ. કેટલા છે અમાઉન્ટ, કેટલું છે 2000. થઈ જાય ડન બોલો, નેક્સ્ટ પર જઈશું. અધર્સ ઓલ્સો રિપ્લાય ફાસ્ટ સો વી મે ગો ફર્ધર અહેડ. દરેકમાં ડેટ 31 જ લખવાની આપણે, દરેકમાં ડેટ 31 જ લખવાની. ઓકે, ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ. થર્ડ, 2400 પેડ ટુ દેવાંશી ઇઝ રેકોર્ડેડ કરન્સ એકાઉન્ટ બાય મિસ્ટેક. દેવાંશીને આપ્યા તો દેવાંશીને ડેબિટ કરવાનું હતું, કરણને ડેબિટ કરી દીધું. કરણ ગલત ડેબિટ કરી દીધા, પે ક્યાં ને તો કરણ ઇઝ રિસીવર, કેમ કે કરણ કો ડેબિટ ક્યાં, સહી મેં દેવાંશી કો ડેબિટ કરના હતા. બ્રુન્સ વેરી ગુડ, સો ધ આન્સર વિલ બી ઇન્સ્ટેડ ઓફ કરણ નાવ દેવાંશી વિલ બી ડેબિટેડ. ઇઝી, આગયા સેમ ક્વેશ્ચન આગે હમને દેખા, ઉસમેં લિખે એન્ટ્રી દેવાંશી કો અબ ડેબિટ કરેંગે ઓર કરણ કો ક્રેડિટ કરેંગે. લિખે દેવાંશીઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ, દેવાંશીઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ, દેવાંશીઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કરન્સ અકાઉન્ટ. કોણ સા એરર હે, કોણ સા એરર હે, રોંગ અકાઉન્ટ. વેરી ગુડ, બીંગ એરર ઓફ recording in wrong account rectified. 2400 થઈ જાય તો એ જ આપણું ડન બોલો, એટલે નેક્સ્ટ પર જઈશું આપણે. ગુડ સોલ્ડ, ગુડ્સ ઓફ 5000 સોલ્ડ ટુ નૈના ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન પરચેસ બુક બાય મિસ્ટેક. ગુડ સોલ્ડ 5000 નૈના રેકોર્ડેડ ઇન પરચેસ બુક. ભાઈ સોલ્ડ ક્યાં, સેલ્સ બુક મેં લિખના હતા. ફોર્થ વાલે કી બાત કરે, સેલ્સ કી એન્ટ્રી દેની થી હમે, નૈના ટુ સેલ્સ લિખના થા. કિતના 5000 પરચેસ મેં લિખ દિયા, મતલબ એન્ટ્રી હમને દે દી પરચેસ ટુ નૈના.
5000। तो ये डू करना है, ये डू करना है, ये अंडू करना है, ये अंडू करना है, राइट। तो अब नैना, नैना नैना है, नयंस है, नैना जे के नयंस है, नैना, ओके। तो नैना अकाउंट आप डेबिट करेंगे 5000 डू के प्लस 5000 अंडू के, कितना डेबिट करेंगे 10000। वेरी गुड बेटा। टू सेल्स डू का क्रेडिट करेंगे 5000 एंड टू परचेस अंडू का क्रेडिट करेंगे 5000। सेम एंट्री आगे आई थी। एवरीवन इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? से यस और नो, से यस और नो, क्लियर ना? लिख दें एंट्री, एंट्री लिख दें, एंट्री लिख दें, चलो एंट्री लिख दें। नैनास अकाउंट डेबिट, नैनास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू परचेस अकाउंट। કયું એરર છે આ? કયું એરર છે? બીંગ એરર ઇન રાઇટ રેકોર્ડિંગ પ્રાઇમરી બુક ઇઝ વેરી ગુડ રેક્ટિફાઈડ 10000 5000 and 5000। कहीं जाए डन बोलो, इतने नेक्स्ट पर जाइए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। आर बिल रिसीवेबल 1900 एक्सेप्टेड बाय रेखा इज रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक बाय 1000। भाई लिखना था कितना, 1900, लिख दिया 1000। देख लें जरा सा, इसको देख लें हम पहले, पहले जरा सा देख लें। पॉइंट नंबर 5, एंट्री देनी थी बिल्स रिसीवेबल टू रेखा 1900, कितनी देनी थी 1900, लिखा 900, तो सेम कितना कम लिखा 1000 की और एंट्री देनी पड़ेगी। क्लियर? सेम ट्रांजैक्शन आया था आगे, और कितने की एंट्री देनी पड़ेगी 1000 की सेम। अगर ज्यादा लिखा होता तो ये एंट्री रिवर्ट कर देते हैं, क्लियर? अगर ज्यादा लिखा होता तो इस एंट्री को रिवर्ट कर देते। कम लिखा है, सेम साइड वही की वही एंट्री हमें देनी। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? लकी एंट्री 1000 नहीं एंट्री भाई, 1900 1000 नहीं के 900 नहीं, जरा जोई लो जरा फरी एक बार, 1000 लिखाई गया थे, 900 नहीं एंट्री, राइट? 1000 लिखा है, 900 की एंट्री और देनी पड़ेगी। कितने की? 900 और डू करने बाकी हैं, तो लिख दे एंट्री, लिख दे 900 की सेम। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट recording primary book is rectified। 1000 लिखा है, कितने लिखने बाकी रह गए थे? उतना ही लिखेंगे सिर्फ, 900 रह गए थे तो 900 लिखते हैं। थई जाए डन बोलो, એટલે नेक्स्ट पर जाइए। थई जाए तो डन बोलो, नेक्स्ट पर जाइए। Others. See the sixth one now. 150 credited by bank as an interest in passbook recorded on payment side. That is credit side. Same वही चीज है भाई, एंट्री हमें देनी थी, सिक्स नंबर हमने एंट्री देनी थी,
बैंक टू इंटरेस्ट, क्या एंट्री देना था? बैंक टू इंटरेस्ट 600, हमने एंट्री दे दिया इंटरेस्ट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट साइड लिख दिया इंटरेस्ट टू बैंक 600। तो क्या करना है भाई, ये डू करना है, ये डू, ये अनडू, ये अनडू, तो अब एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू इंटरेस्ट कितने रुपए लिखे जाएंगे, बैंक टू इंटरेस्ट कितने रुपए लिखे जाएंगे आप? क्लियर? सेम ट्रांजेक्शन आई गयु इलस्ट्रेशन में, हमें कितना रुपया लिखा से? क्लियर एवरीवन? ख्याल आई गयु आमा एंट्री आपवानी हती? ओके, बैंक ने क्रेडिट किया है ना, हमें बैंक अकाउंट डेबिट लिख 600 है 150 सॉरी 150 जो 600 नहीं 150 करी दीजिए, कितना 150। ओके 600 नहीं, 600 हो तो आ एंट्री आती, 150 छे એટલે 150 ની એન્ટ્રી। તો 150 છે તો હવે કેટલી એન્ટ્રી માં લખવી પડશે? એન્ટ્રી માં હવે કેટલું લખવું પડશે? હવે કેટલું લખવું પડશે? 300। ઓકે લિખ દે એન્ટ્રી, લિખ દે એન્ટ્રી, લિખ દે બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ, બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ 300 टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये कौन सा एरर है? कैश बुक में लिखते टाइम ये एरर हुआ है, बीइंग एरर इन रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक इज रेक्टिफाइड। 300 रुपीस लिखेंगे, हो जाए तो डन बोलो, नेक्स्ट पे जाएंगे। डन, सी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, goods 1200 sold to Amita is recorded in purchase book by 200, goods sold to Amita, देख लें जरा working, देख लें भाई, goods sold to Amita entry क्या बनानी थी हमें? Amita to sales कितना? 1200, कितना की entry बनानी थी? 1200 की, हमने परचेस बुक में लिख दिया, मतलब परचेस की एंट्री बना दी, परचेस टू अमिता कर दिया, कितना परचेस टू अमिता कितना कर दिया हमने? 200। क्लियर? और आ करेक्ट एंट्री छे, आ रॉन्ग थई गयो ये छे, इसको डू करना है, इसको डू करना है, इसको अनडू करना है, इसको अनडू करना है। तो अब अमिता डू कितना आएगा? अमिता अकाउंट डेबिट, वेरी गुड ड्रुंग, अमिता अकाउंट डेबिट जो 200 छे, जरा जो अली असगर धनराज 200 किया है तो 200 अंडू करना है, कितना आएगा भाई? 1200 डू के 200 अंडू के, कितना आएगा डू? 1400, राइट? टू, यस वेरी गुड, वेरी गुड विभूति, टू सेल्स अकाउंट 1200 जो डू करना था, टू परचेस अकाउंट, टू परचेस अकाउंट 200, ये डू वाले और ये अनडू वाला। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? अली असगर धनराज, ना ना थाय थाय कई कई वांधो नहीं, खाली खबर पड़वी जोइए, खबर पड़वी जोइए। ओके वंशिका, वेरी गुड, चलो लिखें एंट्री, लिख दें लास्ट एंट्री है, लिख दें लास्ट एंट्री है, लिख दें अमिताज अकाउंट डेबिट, अमिताज अकाउंट डेबिट 1200 डू के 1200 अंडू के, टोटल अमिताज अकाउंट डेबिट होगा कितना? 1200 डू के और 200 अंडू के, टोटल 1400। टू सेल्स अकाउंट जो डू करना है, टू परचेज अकाउंट जो अनडू करना है। आ कयु एरर छे, कयु एरर छे? सेम अज, बीइंग एरर इन रेकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक, रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक इज रेक्टिफाइड। अमाउंट 1400 डैश डैश, क्रेडिट में डैश 1200 एंड 200। टोटल किया तो बोलो, अगर टोटल किया हो बोल दो सर को। कितलो जे टोटल बोलो? 22,000। ओके, चलो। कोई दिक्कत यहां तक इस चैप्टर में? कोई दिक्कत यहां तक इस चैप्टर में? इससे आगे कल हम देखेंगे, कॉलम्स बना के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे इससे आगे, क्लियर? दो क्वेश्चन के लिए कॉलम्स कल बना के रखना। और वो फीस पेमेंट के बारे में नोटिस दी हुई है ऑलरेडी, जरा देख लेना। जिनकी भी फीस बाकी हो एट दी अर्लीएस्ट पे कर देंगे।